Assalamu alaikum viewers, welcome to the another video. कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं आपको जो रेसिपी बताने वाली हूँ वो है मिक्स सब्जी की तहारी। ये बहुत टेस्टी बनती है और डिफरेंट भी, थोड़ी सी डिफरेंट होती है बनाने में और खाने में तो वैसे बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए मैं अब आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। ये देखें मिक्स सब्जी है, इसके अंदर है फूल गोभी, मटर, आलू, मेथी, चकुंदर, गाजर और सेम की फली। ये सब सब्जी हमने डाली है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और पुदीना। अब हम इसको वॉश करेंगे। चलें अब वॉश करने के बाद मिलते हैं। सब्जी मैंने वॉश कर ली है, अब मैं ऑयल गर्म कर रही हूँ और इसके अंदर साबुत गरम मसाला डालूंगी। जीरा, काली मिर्ची, लौंग, बड़ी इलायची, बादियां के फूल। अब ये गरम मसाला हो गया और मैं इसके अंदर प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो फिर अदरक लहसुन वॉश करके रखी है। पहले बताया उसके अंदर मैंने फूल गोभी डाली है, चकुंदर, मटर, सेम की फली, मेथी, आलू, कड़ी पत्ता और पुदीना डाला। अब हम इसको मिक्स करेंगे जी और गाजर। ठीक है, हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें टमाटर कट करके डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर नमक, लाल मिर्च, दो टेबल स्पून और बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें कोई पानी नहीं डलेगा, ये इसी एज इट इज पकेगी। आलू भी से गल जाएंगे, गोभी वगैरह सब ऐसे ही गल जाएगा, तो पानी नहीं डलेगा। अब मैंने इसको ढक्कन ढाक के पतीले को रख दिया है ताकि सब्जी अच्छी तरह गल जाए। जब सब्जी पक जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये देखें चावल भी मैंने वॉश कर लिए हैं। अब इसको जब तक सब्जी पकती है तो हम उनको भीगे रहने देते हैं। ठीक है, सब्जी रेडी हो गई है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब हम अपने पतीले में ऑयल डाला, इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे।
हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालेंगे। नमक, अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसे जो हमने चावल भिगोए थे उसका पानी फेंक कर भिग डाल। ये देखें हमने इसमें पानी डाल दिया है और अब ये पकेंगे। जब थोड़े से पकने पाएंगे उसका पानी खुश्क होगा, फिर उसके बाद हम आपको उसका नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। अभी तेज़ आंच थोड़ी सी कर दी हमने। ये देखिए चावल का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें जो सब्ज़ी हमने बनाई है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमने सब्जी अच्छी तरह मिक्स कर ली है। ये देखें अब हम इसको दम पे रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। ये देखें व्यूअर्स तहारी रेडी है, कितनी अच्छी लग रही है इसमें सब्जियां, कलरफुल। ये देखें खाने में भी टेस्टी है बहुत ज़्यादा। आप भी ज़रूर बनाएं इस तरह की तहारी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें और मुझे कमेंट भी ज़रूर दें।